नमस्कार। बाल कला तथा भवन निर्माण कला के विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए तथा बौद्ध धर्म के साथ उनके संबंध पर भी प्रकाश डालिए। कीचुवांसर बाल कला में भवन एवं मूर्ति निर्माण में अपनाई गई शैलियों का उल्लेख करें। बौद्ध कला से प्रभावित उनकी कला शैलियों को दर्शाएं। उत्तर पाल वंश का संस्थापक गोपाल था जिसने बिहार में भी अपना शासन विस्तार किया। पालों के लंबे शासन के दौरान शांति और समृद्धि बनी रही जिसके फलस्वरूप कला के सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई। पाल कला के अवशेष बिहार में प्रचुरता से मिलते हैं। भवन निर्माण कला पाल कालीन भवन मुख्यतः ईंट पर आधारित थी। इसके साथ साक्ष उदंतपुरी नालंदा एवं विक्रमशिला महाविहार है। पाल शासक गोपाल द्वारा उदंतपुरी में महाविहार एवं मठ बनवाया गया था। यद्यपि इसके अवशेष सुरक्षित नहीं है, नालंदा में मंदिर स्तूप विहार बनवाए गए। पाल ने नालंदा विश्वविद्यालय का पुनर्द्वार किया और उसको खर्च चलाने के लिए 200 करोड़ की आमदनी उसे दान में दी तथा भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की जो जो कालांतर में नालंदा के बाद सबसे विख्यात विश्वविद्यालय के रूप में उभरा। यहाँ ईंट निर्मित मंदिर एवं स्तूप के अवशेष मिले हैं। इनमें पत्थर एवं मिट्टी की बनी गौतम बुद्ध की विशाल मूर्तियाँ हैं। जाबा के शैलेंद्र वंशीय शासक बाल पुत्रदेव ने पाल शासक देवपाल सहमति लेकर नालंदा में बौद्ध विहार का निर्माण कराया था। मूर्तिकला पाल काल में कांस एवं पुरस्तर मूर्तिकला की एक नई शैली का उदय हुआ। इसके प्रमुख प्रवर्तक धीमा निगम विधपाल थे जो धर्मपालीन देवपाल की समकालीन थे। पाल कालीन कंस मूर्तियाँ ढलवा किस्म की है। इसके सर्वोत्तम नमूने नालंदा अरथा कुकरीहार गया के निकट से प्राप्त हुए हैं। ये मूर्तियाँ मुख्य रूप से बुद्ध बोधिसत्व अवलोकितेश्वर मंजूश्री मैत्रेय तथा तारा की है। इनमें कुछ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं। कालियों की पत्थर की मूर्तियाँ काले बैसाल्ट पत्थर ब्लैक बैसाल्ट स्टोन की बनी है। सामान्यतः इन मूर्तियों में शरीर के अगले भाग को दिखाने पर ध्यान दिया गया है। इनमें अलंकरण की प्रधानता है। इनमें बुद्ध विष्णु की मूर्ति की प्रधानता है। शैव एवं जैन धर्म का प्रभाव सीमित रहा है। सभी मूर्तियाँ अत्यंत सुंदर अलंकार प्रधान तथा एवं कला की परिपक्वता को दर्शाती हुई है। कलात्मक सुंदरता का एक अन्य उदाहरण एक तख्ती है जिस पर श्रृंगार करते हुए एक स्त्री को दिखाया गया है। अध्यापालों के काल में एक उन्नत कला एवं स्थापत्य का विकास हुआ जो स्थिर राजनीतिक और मजबूत आर्थिक स्थिति के साथ साथ शास्त्रों के रचनात्मक एवं कला के प्रति उनके रुचि को प्रदर्शित करता है। बौद्ध धर्म से संबंध पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे अतः इनके कला पर बहुत प्रभाव स्पष्ट दिखता है। इनकी कला हिंदू शैली की वस्तु बौद्ध धर्म से प्रभावित रही है। इस कला पर बौद्ध धर्म के प्रभाव तो अधिक रहा लेकिन हिंदू और जैन धर्म के प्रभाव भी दिखाई देते हैं। बिहार और बंगाल में मगध बंग जैसे विकसित हुई जिससे पाल सिंह कला भी कहा जाता है। बिहार और बंगाल में पाल शासकों का दीर्घकाल तक शासन रहा था। उनके समय में नालंदा विक्रमशिला और उदंतपुरी कलात्मक गतिविधियों के केंद्र के रूप में खास प्रसिद्ध थे। इस समय बौद्ध कला की छटा कुछ मध्यम हो रही थी। फिर भी पाल शासकों ने स्थापत्य कला चित्रकला और मूर्तिकला को नई ऊंचाइयां प्रदान की। इसके कारण अलोच्य पांडुलिपियों की चित्रकारी और सराय टीले के भित्ति चित्र है। ऐसा दिखने में इतना है कि इस समय जा जनता शैली में चित्र बनाए गए थे जिसके सर्वोत्तम नमूने नेपाल के शाही दरबार और लेखिक सोसाइटी कलकत्ता कला भवन काशी महाराजा संग्रहालय वडोदरा तथा बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में सुरक्षित है। पाल कांस प्रतिमाओं के निर्माण में विनायक देन राज तक्ष धीमान और उनके पुत्र विठल पाल की रही जिन्होंने दो महान पाल शासक धर्मपाल और देवपाल का संरक्षण प्राप्त था। नालंदा और कुकरीहार से प्राप्त कांस प्रतिमाएँ इस तथ्य की ओर संकेत करती है कि कांस प्रतिमाएँ सांचे में डाली जाती थी लेकिन इनकी खास विशेषता यह है कि दोनों मूर्तियाँ का निर्माण एक ही काल में हुआ। इसके अतिरिक्त फतेहपुर अंतिचक और इमादपुर आदि से भी कुछ मूर्तियाँ कांस्य के बने हुए स्तूपों के मॉडल और कुछ बर्तन प्राप्त हैं।
जिसमें अधिकांश का समाज बौद्ध धर्म से है। बुद्ध बोधिसत्व अवलोकितेश्वर मंजूश्री मैत्री तारा जमला और हथनग्रीव को इन मूर्तियों में दबाया गया है। पत्थर की मूर्तियाँ भी अधिकतर बुद्ध एवं उनके विभिन्न रूपों की है तथा मंजूश्री अवलोकितेश्वर तथा बोधिसत्व आदि। इसमें बुद्ध के जीवन को जीवंत करने की कोशिश की गई है, जैसे जन्म ज्ञान प्राप्ति प्रथम धर्मोपदेश की प्रसुति एवं निर्माण आदि। इसके बाद विष्णु की मूर्तियां हैं। नालंदा में विभिन्न युगों में बने महाविहार स्तूप और मंदिर देखे जा रहे सकते हैं। विष्णुओं को रहने के लिए आवासिक निश्चित योजना के आधार भी बने हुए थे, जिसमें खुले आंगन के चारों ओर बरामदे हैं। इनके पीछे कमरे हैं जहाँ भिक्षु रहा करते थे। इमारतें दो मंजिला थी और इनमें खतीरिया की व्यवस्था थी। अंतिचक के स्थान से प्राप्त विक्रमशिला महाविहार के अवशेष कालीन स्थापत्य की विशेषता को और भी स्पष्ट करते हैं। यहाँ से एक मंदिर और एक स्तूप का अवशेष मिले हैं, दोनों ही ईंट के बने हुए हैं। इन्हें पत्थर और मिट्टी की बनी गौतम बुद्ध की विशाल मूर्तियाँ हैं। दीवारों के बाहरी हिस्से पर मिट्टी की तख्तियों से सजावट किया गया है। इन पर बौद्ध धर्म का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। कीटूरी में कालीन बनी भवन मूर्तियाँ एवं कला संयुग को समन्वय बनाए बौद्ध धर्म प्रभावित कलाकारों को समन्वय रखें। यहाँ से एक मंदिर और एक स्तूप के अवशेष मिले हैं, दोनों ही ईंटों के बने हुए हैं। इनमें पत्थर की और मिट्टी की बनी गौतम बुद्ध की विशाल मूर्ति है। दीवारों के बाहरी हिस्से पर मिट्टी की तख्तियों से सजावट किया गया है। इनमें बौद्ध धर्म का स्पष्ट प्रभाव दिखाई देता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।